आज हम जानने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्टिविटी ऑफ आयन चैनल्स के बारे में। मेम्ब्रेन के ऊपर जो आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे सोडियम का ट्रांसपोर्ट करवाना है या मुझे पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवाना है, यानी जिनके पास सेम चार्ज है, जैसे कि ये हमारा सोडियम है, ये हमारा पोटेशियम है। सोडियम के पास साइज स्मॉल है और पोटेशियम का जो साइज है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे एक आयन चैनल डिसाइड करेगा कि मुझे सोडियम का इंटेक करना है या मुझे पोटेशियम का। सपोज ये हमारा एक आयन चैनल है जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आयन चैनल्स जो होते हैं ये होलो होते हैं। कैसे होते हैं? होलो। तो इनका ये जो ल्यूमन साइज होता है ना, ये हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स का इंटेक करने में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम जब सोडियम के आयन चैनल में जाएगा तो यहाँ पे ल्यूमन साइज छोटा होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक और साइज प्रेजेंट है, किसका? आयन चैनल का। ये देखो, ये हमारा लार्ज ल्यूमन साइज कंटेनिंग आयन चैनल प्रेजेंट है। जब पोटेशियम इसमें जाएगा तो वो आराम से पास कर आएगा। तो ल्यूमन साइज के बेसिस पे भी सिलेक्टिविटी होती है आयन चैनल्स की। तो आई होप आपको मजा आया होगा, और ऐसे ही चीजें पढ़ने के लिए, समझने के लिए ज्वाइन करेंगे प्रतिज्ञा बैच, जो स्पेशली डिजाइन हुआ है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए।